हेलो गाइस, वेलकम टू बिकी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 4 द रैट ट्रैप, क्लास 12 इंग्लिश का। और ये है फ्लेमिंगो बुक से एक स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर, तो इस स्टोरी के लेखिका है सेल्मा लेगरलॉफ, वॉज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेजेस। तो ये एक स्वीडन की लेखिका है और इनका स्टोरी को काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और इनका सभी स्टोरीज में एक ही थीम होता है, और वो थीम क्या है? अ बिलीफ डैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बींग कैन बी अवेकंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। और वो थीम होता है कि हर इंसान में एक अच्छाई होता है, और वो अच्छाई को हम लोग अवेक कर सकते हैं, जगा सकते हैं उसको समझ के और प्यार के जरिए। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स इन द माइंड्स ऑफ स्वीडन। तो ये स्टोरी जो सेट किया गया है वो उसमें सीन है स्वीडन का, जो खान का एरिया है जहाँ पे खाने सब होती है वहाँ पर है ये सीन। रिच इन आयरन ओर, और यहाँ के जो खान है वो सब आयरन ओर में रिच है, आयरन ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और इसके बारे में इसका जिक्र, इनके खानों का जिक्र इतिहास में भी है और अलग अलग कहानी सब में भी इसका जिक्र सुनने को मिलता है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, और ये जो स्टोरी है वो एक परी की कहानी की तरह बोला गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। तो एक समय की बात है जब एक इंसान था, वो क्या करता था, स्मॉल रेड ट्रैप्स बेचा करता था। रैट ट्रैप्स का मतलब होता है, जैसे कि आप वर्ड से पता कर सकते हैं, रैट और ट्रैप मतलब चूहे को पकड़ने का पिंजरा। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो वो rat traps को बनाता था उसके at odd moments पर, मतलब odd moments का मतलब होता है free time, जब भी उसको free time मिलता था तब वो rat traps बनाता था। From the material he got by begging in the stores, उन सब चीज़ों से बनाता था जो उसको भीख मांग के मिलता था, दुकान में मांग मूंग के मिलता था, उसी सब सामान से rat traps बनाता था। और at the big farms, यहाँ से भी मांग के लाता था कुछ सामान और rat traps बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये जो रैट ट्रैप सेलिंग का जो बिजनेस है वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसीलिए उसको थोड़ा भीख भी मांगना पड़ता था, बेगिंग भी करना पड़ता था, और पेटी थेवरी छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी ताकि वो अपना बॉडी और सोल टुगेदर रख पाए। मतलब ये idiom है, इसका मतलब होता है कि वो अपने आप को जिंदा रख पाए, टू बी अलाइव। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तो इतना सब चीज़ करने के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वो rags मतलब फटे चिटे थे, गंदे थे। His cheeks were sunken, उसके गाल जो थे वो धसे हुए थे खाना की कमी के कारण। And hunger gleamed in his eyes, और उसके आँखों में भूख दिखता था, चमकता था। Gleamed मतलब शाइन करना। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. तो कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता है कि कितना सैड और मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब होता है बोरिंग, कितना बोरिंग लाइफ था उसका। टू सच अ वैगाबंड, वैगाबंड मतलब वो इंसान जो भटकते रहे, जिसका अपना घर ना हो, उसको बोलते हैं वैगाबंड। तो उस वैगाबंड रैट ट्रैप सेलर को ही बोला जा रहा है वैगाबंड, बोला जा रहा है कि उसका लाइफ जो था वो काफ़ी सैड और बोरिंग था। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो रास्ते पर चलता था, प्लॉट मतलब वॉक हैविली और स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे भारी भारी कदम से चलना थकान के कारण। Left to his own meditations, और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ वो रास्ते पर चलता रहता था। But one day this man had fallen into a line of thought, लेकिन एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, which really seemed to him entertaining, और वो ख्याल इसको काफ़ी पसंद आता है, interesting लगता है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, मतलब बोला जा रहा है कि वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसको अचानक से क्या आया, एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? दैट द होल वर्ल्ड अराउंड हिम, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स सीज इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वो जो पूरा वर्ल्ड है उसके आसपास, वो वर्ल्ड जिसमें लैंड है, सीज है, सिटीज है, विलेजेस है, ये पूरा वर्ल्ड और कुछ नहीं बट अ बिग रैट ट्रैप है, एक खुद ही एक पिंजरा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। तो बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड का कोई काम नहीं है सिवाय, ये वर्ल्ड क्या है, एक सिर्फ चारा प्रदान करता है। बेट्स का मतलब होता है चारा, ठीक है, मतलब कोई चीज़ को पकड़ने के लिए आप चारा डालते हैं तो वही चारा है ये, ताकि लोगों के लिए वर्ल्ड क्या है, सिर्फ एक चारे का रूप का काम करता है।
इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, यहाँ पे धन है, खुशियाँ है, शेल्टर एंड फूड ये सब है, हीट एंड क्लोथिंग ये सब है, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है वर्ल्ड को और रैट ट्रैप को, बोला कि जैसे वर्ल्ड में आपको रिचेस एंड जॉयस मिलता है, शेल्टर और फूड मिलता है, हीट एंड क्लोथिंग मिलता है, उसी तरीके से रैट ट्रैप में क्या मिलता है आपको, चीज मिलता है और पॉर्क। पॉर्क मतलब आपको पता होगा पिक के मीट को बोलते हैं, सुअर के मांस को बोलते हैं पॉर्क। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जैसे ही कोई इंसान इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर उसे छूने का कोशिश करेगा, टेम्प्टेड मतलब अट्रैक्ट, अगर अट्रैक्ट होकर उसको छूने का कोशिश करेगा इन सब चारे को, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो तुरंत ही वो पिंजरा उसके ऊपर बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर चीज़ उसके लिए अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है उसके लिए दुनिया। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो ये जो पूरा वर्ल्ड था उस रैट ट्रैप सेलर के लिए उतना वेरी काइंड नहीं रहा है उसके लिए, सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इसीलिए अगर वो वर्ल्ड के बारे में कुछ बुरा सब सोचता था तो उसे उस अजीब सा ही खुशी मिलता था, अनवॉन्टेड मतलब अनयूजुअल, एक अजीब सा ही उसे खुशी मिलती थी ये सब वर्ल्ड के बारे में बुरा सोच के। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, और उसके लिए ये काफ़ी इंजॉयबल पास्ट टाइम हुआ करता था, खाली समय में वो यही सब करता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, और जब भी ड्रेरी मतलब होता है डल, जब भी वो बोरिंग रास्तों पे जब चल रहा होता है, कुछ करने को नहीं होता है, तब वो क्या करता है, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, तो वो सोचता है कि कैसे लोग जो वो उन लोग वो लोगों को जो जिसको वो जानता है, कैसे वो लोग फंस गए हैं एक पिंजरे में। स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और वो सोचता है कि और भी उन लोग के बारे में जो लोग फंसने वाले हैं तुरंत ही उस चारे में, चारे के चक्कर में आसपास जो घूम रहे हैं उस पिंजरे के आसपास। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटल ग्रे कॉटेज बाई द रोड साइड, तो एक शाम को वो जब जा रहा था रोड से, ट्रजिंग मतलब थकान, थकान के कारण धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चल के जा रहा था रोड से, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटल ग्रे कॉटेज, उसे एक कॉटेज दिखा बाई द रोड साइड रोड के किनारे, एंड ही नॉकड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वो दरवाजे पे जाके ठक ठक किया ताकि रात को उसे वहाँ पर रुकने का जगह मिले। और आप जानते हैं वो रैट ट्रैप सेलर तो क्या है, वैगाबॉन्ड है, मतलब उसके पास अपना घर रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर ठक ठक किया ताकि उसको रहने का जगह मिले। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया, मतलब उसको अंदर बुला लिया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मीट हिम द ओनर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, तो अक्सर उसको क्या होता था, जब भी वो किसी के घर पर ठक ठक करता था तो वहाँ पे लोग उसे गुस्से से देखते थे और उसे भगा देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, द ओनर, वो जो ओनर जो था वो काफ़ी एक ओल्ड मैन था, उसका कोई बीवी नहीं था और बच्चा नहीं था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो ओल्ड मैन काफ़ी खुश हो गया कि चलो, वो ओनर जो था वो ओल्ड मैन था वो काफ़ी खुश हो गया कि चलो कोई तो मुझे मिलना बात करने के लिए, तो उसका थोड़ा अकेलापन है वो थोड़ा कटेगा। इमिडिएटली ही पुट द पॉडी स्पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसे घर में बुलाकर, ओल्ड मैन ने रैट ट्रैप सेलर को घर में बुला लिया और तुरंत ही चूल्हे पर क्या चढ़ा दिया, पॉडी स्पॉट खिचड़ी बनाने के लिए चढ़ा दिया, एंड गेव हिम सपर, और उसके खाने के लिए भी दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और उसके बाद कार्व्ड आउट मतलब कट टू कट काट, तो एक बड़ा सा तंबाकू का पत्ता निकाला और वहाँ से काट के दोनों के लिए इतना पत्ता काटा कि जो दोनों के लिए पर्याप्त होगा। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और उसके बाद उसने क्या किया, एक कार्ड का वो निकाला, एंड फाइनली एंड प्लेड मजोली विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और कार्ड से उसने एक गेम खेला जिसका नाम है मजोलीस, और तब तक खेला जब तक कि सोने का टाइम ना हो गया हो। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या किया उसने, सबसे पहला तो उसे अंदर बुलाया, और उसके बाद उसने पॉडी स्पॉट फायर पे पुट किया, और उसके बाद सपोर्ट दिया उसे, उसके बाद टोबैको रोल निकाला और दोनों ही उस पर तंबाकू पिए उससे, और उसके बाद उसने पैक ऑफ कार्ड्स निकाल के एक गेम खेला जिसको बोलते हैं मजोलीस। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉडीज एंड टोबैको, द ओल्ड मैन जितना खुशी से वो खिचड़ी और टोबैको शेयर किया उतना ही खुशी से उसने अपना कॉन्फिडेंसेस मतलब सीक्रेट्स भी शेयर किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट रैम्सचो आयरन वर्क्स,
तो वो गेस्ट मतलब जो रैट्रैप सेलर था, या फिर गेस्ट मतलब रैट्रैप सेलर को ये बताया गया कि जब वो जो ओल्ड मैन था मतलब वो घर का जो ओनर है उसको बोला गया है होस्ट, ठीक है। तो जब वो होस्ट मतलब ओल्ड मैन जब वो अमीर हुआ करता था अपने जवानी में, तो वो क्या काम करता था, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर के रूप में काम करता था। क्रॉफ्टर मतलब अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ रेंटेड फार्म, रैम्सो आयरन वर्क्स कंपनी में वो काम फैक्ट्री में काम करता था वो क्रॉफ्टर के पद पे, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड और वो जमीन पे भी काम कर चुका था। नाउ डैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, और अब जब वो बूढ़ा हो गया है तो वो तो अब लेबर का दिन में तो खट नहीं सकता है अपने शरीर से, अब उसको सपोर्ट कौन करता है, उसका एक गाय है वो करता है। येस डैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ वो बॉसी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बॉसी यहाँ पर काउ को बोला गया है, वो काउ कुछ अलग ही है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, तो वो दूध दे सकती है क्रीमरी के लिए। क्रीमरी क्या होता है, अ फैक्ट्री डैट प्रोड्यूसेस चीज एंड क्रीम, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वालिटी दूध चाहिए होता है। तो ये गाय जो था इस ओल्ड मैन के पास वो वैसा ही दूध प्रोड्यूस करती थी हर रोज। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और वो उसने बताया कि पिछले महीने तो उसे ये सब दूध दूध बेचकर कितना रुपया मिला है, 30 क्रोनोर मिला है। क्रोनोर स्वीडन का करेंसी है, जैसे इंडिया का करेंसी रुपया होता है वैसे ही स्वीडन में क्या चलता है, क्रोनोर चलता है। तो उसे दूध बेचकर 30 क्रोनोर मिला लास्ट मंथ। तो ये सब सीक्रेट्स उस ओल्ड मैन ने उस रैट्रैप सेलर को बताया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन अ वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स। तो स्ट्रेंजर मतलब यहाँ पे रैट्रैप सेलर को स्ट्रेंजर भी बोला जा रहा है, तो उसको ये सब विश्वास नहीं हुआ होगा कि कैसे दूध बेचकर 30 क्रोनोर कैसे कोई कमा सकता है। तो उसी लिए क्या किया, वो ओल्ड मैन ने उठा और खिड़की के पास गया और वहाँ से जाके एक लेदर पाउच उतार के लाया जो एक काटी नेल में टंगा हुआ था उसी विंडो फ्रेम में, और उस पाउच में से क्या निकाला, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, 10 क्रोनोर का 3 नोट निकाला, मतलब 30 क्रोनोर हो गया। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, तो आंखों के सामने उसको दिखाया, नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इन टू द पाउच, और दिखा के और फिर उससे पाउच में रख दिया 3 नोट को, 10 क्रोनोर बिल्स को। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन अ गुड सीजन, गुड सीजन मतलब होता है अर्ली इनफ, काफ़ी सुबह सुबह उठ गए दोनों आदमी। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और क्रॉफ्टर काफ़ी जल्दी में था कि उसको गाय से दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो स्ट्रेंजर जो था रैट्रैप सेलर जो था वो सोचा कि उसे अब बेड पे नहीं सोना चाहिए क्योंकि घर का जो मालिक है वो खुद ही उठ गया है तो उसका सोना अब ठीक नहीं होगा, तो वो भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो दोनों ही एक साथ उस कॉटेज को छोड़ दिए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, तो घर का जो मालिक था ओल्ड मैन, वो क्रॉफ्टर भी उसको बोला जा रहा है, मतलब वो क्रॉफ्टर के रूप में पहले काम करता था, वो डोर को लॉक कर दिया और चाबी अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रैट्रैप्स सेड गुड बाय, और रैट्रैप सेलर बोला गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद क्या होता है कि वो रैट्रैप सेलर जो था वो फिर से आ जाता है उस डोर के पास में, उस कॉटेज के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और इस बार वो अंदर जाने का कोशिश नहीं करता है। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ खिड़की के पास जाता है, स्मैश द पेन, पेन मतलब विंडो पेन जो शीशा का था उसको तोड़ देता है, स्ट्रक इन हीज हैंड और अपना हाथ घुसाता है, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और वो पाउच निकालता है जिसमें 30 क्रोनोर रुपया था, पैसा था। ही टूक द मनी एंड थर्स्ट इन टू हीज ओन पॉकेट, वो 30 क्रोनोर रुपया निकाल लेता है और अपने पॉकेट में भर लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर काफ़ी ध्यान से सावधानी से उस लेदर पाउच को जहाँ टंगा हुआ था वहीं पर फिर से टांग के और चला आता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, तो जैसे से वो चले जा रहा है पॉकेट में 30 क्रोनोर रख के, तो वैसे वैसे उसको काफ़ी खुशी हो रहा है कि वाह आज तो कितना अच्छा काम किए हम, अपना स्मार्टनेस पर उसको प्राउड फील हो रहा है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. तो उसे realize होता है कि उसको public highway से चल के नहीं जाना चाहिए क्योंकि खतरा हो सकता है वहाँ पर। But must turn off the road. रोड से हट के कहीं
इनटू द वुड्स, जंगल के किनारे जंगल से होके जाना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई उसे पकड़ेगा नहीं। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, तो शुरुआत के कुछ घंटों में उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ, वो जंगल में आसानी से जा रहा है। लेटर इन द डे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढला इट बिकेम वर्स, उसके लिए काफ़ी बुरा होना शुरू हो गया। फॉर, क्यों बुरा हुआ शुरू हो गया? फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, तो वो एक काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट था जिसमें वो अपने आप को फंसा लिया। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, वो काफ़ी कोशिश किया कि हम एक ही डायरेक्शन में चले, एक खास डायरेक्शन में चले, लेकिन जो रास्ते थे वो ऐसे उलझे हुए थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज डेट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि वो तो जंगल के एक ही पार्ट में बार बार चले जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, और तभी उसके दिमाग में वो पुराना उसका अपना ही ख्याल आता है कि ये वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है। आपको याद होगा कि शुरू में उसने तुलना किया था इस वर्ल्ड का और रैट ट्रैप का, तो उसे अब समझ में आता है कि वो भी अब फंस चुका है इस वर्ल्ड में और उसके लिए वो वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है, पिंजरा है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका बारी आ गया था उस पिंजरे में फंसने का। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट, तो वो एक बेट मतलब चारा, यहाँ पर उसके लिए चारा क्या था, वो 30 क्रोनोर था चारा, तो वो एक चारे के लुभावन में आके फंस गया अब। एंड हैड बीन कॉट द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेटेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, वो जो पूरा जंगल था उसके जो झाड़ थे उसके ब्रांचेस थे उसके थिकेट्स थे मतलब बड़े बड़े झाड़ और लकड़ी जो थे वो सब ऐसे पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक प्रिजन है जो इम्पेनिट्रेटेबल है, मतलब उसको कोई इम्पासिबल मतलब उसको कोई उसमें से निकलना नामुमकिन सा हो गया था। ही कुड नेवर एस्केप, वो वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, वो पूरा जंगल उसके लिए एक पिंजरे के समान था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये जो वक्त था वो दिसंबर लेट का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और आपको पता है दिसंबर के टाइम में दिन छोटे होते हैं तो जल्दी से अब रात होने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और उसके लिए खतरा बढ़ते जा रहा था जानवरों का। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और जैसे जैसे रात होते जा रहा है वैसे वैसे वो उदास होते जा रहा है और होपलेसनेस आ रहा है उसमें। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, तो उसे लगा कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो धरती पर बैठ पड़ा टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि मरने जैसा हो गया था। थिंकिंग डैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोच रहा था कि मेरा अब अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा तभी उसे एक तेज आवाज़ आया, और वो आवाज़ क्या चीज़ का था, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग का। जैसे टीने पे आप सोच लीजिए टीना का कोई सामान है उस पे आप जोर से हथौड़े से मारे तो ढम ढम आवाज़ आता है, वैसे आवाज़ आया। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डैट वॉज, इसमें कोई शक नहीं था कि वो आवाज़ क्या चीज़ का है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को फिर से खड़ा किया उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल ही थॉट, बोला कि अरे ये आवाज़ तो आयरन मिल से आ रहा है और वो भी हथौड़े का आवाज़ है ये। देर मस्ट बी पीपल नियर बाई, वो सोचा कि जरूर आसपास लोग हैं और उसके लिए ये खुशखबरी था। ही समाउंड ऑल हीज स्ट्रेंथ, समाउंड मतलब गैदर्ड, उसने अपना सारा शक्ति को इकट्ठा किया, गॉट अप और खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और चल पड़ा साउंड की डायरेक्शन में। द रैम्प्स सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, तो रैम्सो आयरन वर्क, जब लेखिका ये कहानी जब लिख रही है तब ये रैम्सो आयरन वर्क क्या हो चुका है, बंद हो चुका था, लेकिन फिलहाल स्टोरी में अभी था वो रैम्सो आयरन वर्क। तो ये एक क्या था, लार्ज प्लांट था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको बंद हुए हुए, तो ये एक लार्ज प्लांट था, काफ़ी बड़ा फैक्ट्री था विथ स्मेल्टर, इसमें स्मेल्टर थे। स्मेल्टर मतलब एक ऐसा मशीन जिसमें मेटल को मेल्ट किया जाता है, और आपको पता है ये स्टोरी कहाँ पे सेटअप किया गया है, आयरन माइंस का यहाँ पे सेट किया गया है स्वीडन में। तो यहाँ पे लोहे को मेल्ट किया जाता है रोलिंग मिल, और फिर उसको रोल कर करके शीट में कन्वर्ट किया जाता है। एंड फॉर्ज में भी आयरन को हीट ही किया जाता है, तो ये सब मशीन था यहाँ पर रैम्स जो आयरन वर्क्स में। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल, और गर्मियों के समय में क्या होता था कि कैनल के जरिए
बार्जेस एंड स्काउस, ये एक टाइप का बोट होता है। इस बोट में काफ़ी लोड किया हुआ आयरन आता था जाता था विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, और ये कैनल जोड़ता था एक बड़े से इनलैंड लेक से होके दूसरे सिटीज़ और देश में जाता था वो आयरन सब। एंड इन द विंटर टाइम, और ठंडी के समय में जब वो कैनल्स तो जानते हैं आप ठंड से जम जाएगा वो, उसमें नाव नहीं चल पाएगा। द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो ठंडी के टाइम में क्या होता था, सब सामान का आना जाना वो सब होता था रोड के जरिए, और वो रोड क्या होता था, काला हो जाता था उस कोयले के धूल के कारण। और वो धूल कहाँ से झड़ता था, धीरे धीरे जब झड़ता था वो, जब गाड़ी में जब कोई कोयला लेके जाएगा या फिर आयरन लेके जाएगा तो हल्का हल्का कोयला का जो धूल है वो रोड पे गिरेगा, जिसके कारण रोड पूरा क्या होता था, काला हो जाता था। तो यही है यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो ये पैरा है यहाँ पर, ये स्टोरी से हटके थोड़ा सा राइम्स जो आयरन वर्क्स के बारे में उसका हिस्ट्री बताया गया है। अब आते हैं फिर से प्रेजेंट में, मतलब वो जो रैट्रैप सेलर है वो आवाज़ सुन के अब जा रहा है उस आयरन वर्क्स के पास में। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच ही हैड पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। तो एक वो काफ़ी लंबा शाम था, इवनिंग था और अंधेरा हो गया था, जस्ट बिफोर द क्रिसमस का टाइम था। मतलब आपको पता है क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, तो हो सकता है ये 24 दिसंबर का बात हो रहा है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज, और वहाँ पे दो लोग थे उस फोर्ज में। फोर्ज मतलब ऐसा जगह, अ प्लेस वेयर मेटल इज हीटेड बोल सकते हैं। तो उस फोर्ज में कौन कौन प्रेजेंट था, यहाँ पे मास्टर स्मिथ प्रेजेंट था और उसका हेल्पर प्रेजेंट था वहाँ पर। और दोनों क्या कर रहे थे, नियर द फर्नेस भट्टी के पास बैठे हुए थे वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर, और वो लोग इंतजार कर रहे थे वो पिग आयरन का। पिग आयरन मतलब कच्चा आयरन था, वो अभी पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में था वो, और उसको हीट किया जा रहा था टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और वो जब हीट हो जाएगा उसको शेप उप दे के एनविल पर रख के पीटा जाएगा उसको, ताकि एक खास शेप ऑब्टेन किया जाए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, और हर थोड़े थोड़े देर बाद उन दोनों में से कोई एक उठकर क्या करता था, स्टर मतलब जाके उस आयरन को थोड़ा हिला के आता था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, विद अ लॉन्ग आयरन बार एक आयरन के जरिए ही हिलाता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और जब वो उसको चला के आते थे तो काफ़ी वो पसीने से भीग जाते थे, दो एज वॉज द कस्टम, क्योंकि वहाँ पर इतना हीट था कि वो पसीना तो आना लाजमी था, लेकिन वहाँ का कस्टम ऐसा था कि ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। वो कुछ भी नहीं पहना हुआ था सिवाय एक लंबे शर्ट के और एक पेयर ऑफ वुडन शूज पहना हुआ था। तो ये था वहाँ का सीन। अभी वो रैट्रैप सेलर चल के आ रहा है उस फोर्ज में, मतलब रैप जो आयरन वर्क्स में आ रहा है वहाँ पे फोर्ज भी है, फोर्ज में आ रहा है, और उस फोर्ज में दो लोग हैं, मास्टर स्मिथ और हिज हेल्पर। तो ये आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑल द टाइम देयर वर many sounds to be heard in the forge, और उस forge में क्या होता था, हमेशा ही बहुत हल्ला हो रहा होता, sound बहुत आ रहा होता था। क्या क्या चीज़ का sound आता था, the big bellows groaned and the burning coal cracked। तो bellows मतलब यहाँ से हवा फूका जाता था furnace में ताकि आग अच्छे से glow करे, तो वो जो हवा जब निकलता था तो काफ़ी तेज आवाज निकलता था वहाँ से, और the burning coal cracked, और जो जब कोयला जो जलता था तो वो भी क्रैक होता था, तो उसका भी आवाज़ होता था। the fire boy शोवल्ड चारकोल इन द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और एक जो फायर बॉय था मतलब जो हेल्पर जो था, आपको पता है इस सीन में कौन कौन है, मास्टर स्मिथ है फोर्ज में और हेल्पर है, तो वो हेल्पर को ही फायर बॉय बोला गया है। और जब वो फायर बॉय शोवल्ड मतलब बेलचे से उठा के जब कोयला फर्नेस में डालता था तो विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उस फोर्ज के बाहर ही क्या था, एक झरना था, वहाँ से भी आवाज़ आता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और ऊपर में जो छत था ब्रिक का बना हुआ था मतलब खपड़े जैसा बना हुआ था, तो और तेज़ हवा चल रही थी, तो जब बारिश हो रहा था तो हवा और भी फोर्स के साथ उस बारिश को उस पर पटक रही थी, तो वो भी काफ़ी तेज़ आवाज़ दे रहा था। तो यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, ये सब बताया गया कि क्या क्या चीज़ का शोर था वहाँ पर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्स। तो इन्हीं सब आवाज़ के कारण, नॉइज़ के कारण वो ब्लैक स्मिथ हो सकता है कि वो नोटिस नहीं किया कि एक मैन जो है
वो मैन कौन है, रैट्रैप सेलर। वो रैट्रैप सेलर दरवाजे खोल के अंदर तक आ चुका है फोर्स के, अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। और वो दरवाजे से होके कहाँ तक आ चुका है, एकदम भट्टी के पास आके खड़ा हो गया। तब वो ब्लैक स्मिथ को रियलाइज़ हुआ कि अरे कोई तो आया है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light. तो ये बात लाजमी था कि कोई भी vagabond जिसके पास अपना घर नहीं है वो attract हो जाएगा, क्या चीज़ से attract हो जाएगा, to the forge by the glow, उस forge के तरफ attract हो जाएगा, क्योंकि forge में क्या है, light है वहाँ पर, which escaped through the sooty panes. पेन मतलब विंडो में जो खिड़की लगा होती है, विंडो में जो शीशा लगा होता है उसको पेन बोलते हैं। और चूंकि वहाँ पे फर्नेस है अंदर में, तो वहाँ का जो राख उख है, जो धुआं है, वो सब खिड़की पे जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं सूटी पेन्स। तो फिर भी उसमें से लाइट तो बाहर दिखेगा, तो वो लाइट से जो वैगाबोंड लोग हैं वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। और वो लोग अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं यहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए। The black smith glanced only casually and indifferently at the intruder. तो black smith जो था, मतलब वो master smith को ही black smith बोला जा रहा है, वो काफ़ी casually और indifferent तरीके से उस intruder को देखा। Intruder मतलब वो इंसान जो बिना permission के अंदर चले आए, उसको बोलते हैं intruder। तो वो काफ़ी indifferent मतलब uninterested भावना से उसको देखा। He looked the way people of his type usually did. और वो rattrap seller जो था वो ठीक उसी तरीके से दिख रहा था जैसे उसको दिखना चाहिए था। क्या था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, विथ अ लॉन्ग बियर्ड, उसके लंबे लंबे दाढ़ी थे, डर्टी रैग्ड विथ अ, और वो काफ़ी गंदा कपड़ा पहना हुआ था, रैग्ड फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ था, विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके छाती पर कुछ रैट ट्रैप्स लटके हुए थे क्योंकि वो तो रैट ट्रैप्स बेच रहा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि मुझे यहाँ पे परमिशन दीजिए रहने के लिए आज रात तक। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड। लेकिन वो मास्टर ब्लैक स्मिथ बिना कुछ बोले ही सिर हिला के बोल दिया कि ठीक है रह लो, लेकिन एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और ट्रैम्प ने भी कुछ भी नहीं कहा। ट्रैम्प का मतलब होता है यार वैगाबॉन्ड, मतलब रैट ट्रैप सेलर को ट्रैम्प बोला जा रहा है जिसके पास अपना कोई घर ना हो। उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहाँ पे कोई बात करने नहीं आया था, वो सिर्फ थोड़ा हीट लेने आया था, मतलब गर्मी पहुँचाने आया था अपने शरीर को, और सोने आया था वहाँ पर बस। इन दोज डेज द रैम्पजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और उन दिनों में रैम्पजो आयरन मिल जो था उसका ओनर कौन था, एक बहुत ही जाना माना आयरन मास्टर था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। जिसका एक एम था लाइफ में कि मार्केट में क्या पहुंचाना है, अच्छा क्वालिटी का आयरन पहुंचाना है। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो दिन में भी और रात में भी आके देखता था कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और उसी क्षण जिस क्षण वो वैगाबॉन्ड आके वहाँ पर लेटा हुआ था, उसी क्षण वो आयरन मास्टर जो था वो भी आ गया वहाँ पर देखने के लिए कि इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया। Finally, naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो आते ही उसने पहला चीज़ क्या देखा, देखा कि वो जो ragamuffin मतलब rat trap seller को ही ragamuffin बोला जा रहा है, वो काफ़ी टॉल था, who had eased his way so close to the furnace, लेकिन वो सोते सोते कितना क्लोज आ गया भट्टी के पास में कि steam rose from his wet rags, उसके शरीर से क्या होने लगा, वाटर वेपर मतलब स्टीम निकलने लगा वो शरीर कपड़ा गर्म होके। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। लेकिन वो जो आयरन मास्टर था वो ब्लैक स्मिथ की तरह बिहेवियर नहीं किया, वो ब्लैक स्मिथ जो देखने का भी फिकर नहीं किया स्ट्रेंजर को। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो आयरन मास्टर उसके पास गया उस स्ट्रेंजर के पास में मतलब रैट ट्रैप सेलर के पास में, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली उसको काफ़ी ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। लेकिन उसका स्लाउच हैट मतलब ऐसा टोपी होता है, राउंड टोपी होता है और साइड से वो मुड़ा होता है, तो उसने उसका टोपी उठा के देखा ताकि उसका चेहरा अच्छे से दिखे, और चेहरा उठा के देखते ही बोला
But of course, it is you, Nils Olof, he said. वो बोला कि अरे ये तो पक्का तुम हो नील्स ओलोफ. How do you look? तुम कैसे दिख रहे हो? तो वो आयरन मास्टर उस रैट ट्रैप सेलर को बोलता है. मतलब यहाँ पर केस क्या हुआ है कि वो जो आयरन मास्टर है वो रैट ट्रैप सेलर को कुछ और ही समझ लेता है. वो उसको नील्स ओलोफ समझ लेता है, लेकिन वो असली में नील्स ओलोफ था नहीं, वो तो रैट ट्रैप सेलर है मामूली सा. द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्स शो. तो वो जो रैट ट्रैप सेलर था उसने कभी आज तक देखा नहीं था आयरन मास्टर को. एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज. और उसको उसका नाम भी पता नहीं था. बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर. लेकिन वो सोचा कि ये जो आयरन मास्टर है ये मुझे क्या समझ रहा है, एन ओल्ड एक्वेंटेंस, मुझे जाना परिचित समझ रहा है वो अपना. तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर. तो वो रैट्रैप सोचता है कि चलो इसी बहाने मुझे एक दो क्रोनर और मिल जाएगा. मतलब उसके अंदर से लालच अभी भी गया नहीं है वो रैट्रैप सेलर के मन से. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. तो यहाँ पे देखिए दो नेगेटिव वर्ड आ गया है फिर से, नॉट वांट टू अनडिसीव. तो जब भी दो नेगेटिव आए तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए. मतलब देयरफॉर ही वांट टू डिसीव हिम ऑल एट वंस. मतलब वो चला कि सोचा कि चलो राज को राजी रहने देते हैं और इसको भी चूना लगाया जाए. और वो जवाब देता है रैट ट्रैप सेलर को, बोलता है कि यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी. लेकिन हाँ मेरे साथ काफ़ी बुरा हो गया है, ही सेड. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. रेजिमेंट मतलब आर्मी का एक यूनिट होता है, वहाँ से आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था. मतलब वो उसको आयरन मैन आर्मी मैन समझ लिया है. दैट वॉज द मिस्टेक. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम आई वुड नेवर हैव हैप आई वुड इट वुड नेवर हैव हैपन्ड. वेल नाउ ऑफकोर्स यू विल कम होम विथ मी. तो आयरन मास्टर बोलता है कि अगर हम होते सर्विस में तो हम ऐसा नहीं होने देते, मतलब तुम्हें रिजाइन नहीं करने देते. लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ, नाउ यू विल कम होम विथ मी. बोलता है कि अब आ जाओ हमारे साथ, हमारे घर चलो. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. तो ट्रैम्प सोचा कि हम मैनर हाउस, मतलब बहुत ही बड़ा हाउस, हम मैनर हाउस में जाएंगे और मुझे रिसीव किया जाएगा एक आर्मी मैन की तरह. तो उसको ये सब ठीक नहीं लगा कि यहाँ पे खतरा है उसको फंसने का. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड. तो रैट ट्रैप सेलर जवाब देता है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और काफ़ी चौकन्ना होकर वो जवाब देता है. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर. उसे 30 क्रोनर के बारे में याद आता है. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इन टू द लायंस डेन. वो सोचा कि हम मैनर हाउस में जाएंगे, मतलब इसका मतलब होगा कि शेर के घर में कूद जाना, खतरे से खाली नहीं होगा वो. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज. तो उसे सिर्फ सोने के लिए फॉर्ज में जगह चाहिए था. एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. और फिर चुपके से वहाँ से निकल जाना है. इनकॉन्स्पिशियसली मतलब अननोटिस्ड, बिना नोटिस किए हुए वहाँ से निकल जाना है. द आयरन मास्टर अज्यूम डैट ही फेल्ट इम्पेरिश्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. लेकिन आयरन मास्टर जो है वो सोचा कि शायद उसे, मतलब वो जो उसको दोस्त समझ लिया है उसे क्या हो रहा है, एम्बेरसमेंट हो रहा है, उसको शर्म आ रहा है ऐसे कपड़े में उसको घर जाने में. लेकिन क्या ऐसा था? ऐसा तो नहीं था. वो तो उसके मन में लालच है, उसको अंदर चोरी का डर है कि कहीं उसका चोरी ना पकड़ा जाए, इसलिए वो नहीं जा रहा है. लेकिन आयरन मास्टर सोचा कि वो अपने खराब कपड़े के कारण शर्मिंदा होकर वो नहीं जा रहा है. तो आयरन मास्टर जवाब देता है, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. आयरन मास्टर बोलता है कि अरे तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत ही बड़ा है और तुम ऐसे कपड़े पहन के नहीं आ सकते हो मेरे घर. ही सेड एलिजाबेथ इज डेड. मेरी एलिजाबेथ, उनका पत्नी था, आयरन मास्टर का पत्नी का नाम था एलिजाबेथ, मतलब कि वो तो चल बसी. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम्हें पता भी होगा, माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे जो बेटे लोग हैं वो लोग बाहर गए हुए हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी के. एंड माई सेल्फ, और मेरे सिवा घर में कोई नहीं है. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. और हम लोग तो आयरन मास्टर बोल रहे हैं कि हम लोग ये बात ही कर रहे थे. हम लोग कौन? वो और उनकी बड़ी बेटी. वो लोग बात ही कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस में उनके साथ कोई भी नहीं है. Now come along with me. तो अब तुम चलो हमारे साथ and help us make the Christmas food disappear a little faster. मतलब कि हमारे साथ घर चलो और क्रिसमस का जो फूड है उसको ख़त्म करने में हमारा मदद करो. आयरन मास्टर ये सब बात बोला रहा है ट्रैप सेलर को. तो अभी ये सीन में अभी प्रेजेंट कौन कौन है? सबसे पहले तो हमारा रैट ट्रैप सेलर प्रेजेंट है यहाँ पर,
और नंबर टू आयरन मास्टर प्रेजेंट है, ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में, और साथ ही साथ वो दो लोग जो था मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, वो दोनों भी सीन में प्रेजेंट है अभी। और ये सीन अभी हो कहाँ पे रहा है, रैम्सडो आयरन वर्क्स में जो एक फॉर्ज है उसमें हो रहा है ये सीन। उम्मीद करते हैं आपको सब क्लियर होते रहा होगा, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन वो जो रैट्रैप से लड़ है वो बोला नहीं हम नहीं आएंगे, एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन ना ना हम तो नहीं आएंगे। एंड आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, तो आयरन मास्टर सोचा कि अब मुझे ही हार मानना होगा, हम इसको मना नहीं पाएंगे। इट लुक्स एज द कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्टर्न स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल। तो वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल, मतलब पहले हम लोग क्या नाम देखे थे, यहाँ पर आयरन मास्टर ने उस रैट्रैप सेलर को क्या बोल के बुलाया था, नील्स ओलोफ बोल के बुलाया था, और यहाँ पर और एक नया नाम आ रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कैप्टन वॉन स्टेल। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन का बात नहीं है, वो दोनों ही एक ही इंसान का नाम है, वो पूरा नाम क्या हो जाएगा, नील्स ओलोफ वॉन स्टेल पूरा नाम हो जाएगा ये। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि ये कैप्टन वॉन स्टेल को आप आज आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही रहने का मन है, आपके साथ किसके साथ, उस मास्टर ब्लैक स्मिथ के साथ ही रहने का मन है, और उस मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम था स्टर्न स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज, और इतना बोल के आयरन मास्टर वहाँ से चल पड़ा। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन समझ में आया होगा, मतलब आयरन मास्टर जो रैट ट्रैप को समझा हुआ है उस व्यक्ति का नाम क्या होगा, नील्स ओलोफ वैन स्टेल, मतलब वो आयरन मास्टर को ये इंसान समझ लिया है। और यहाँ पर ये जो नाम है स्टर्न स्टॉर्म, ये मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम है वहाँ पर। बट ही लाफ टू हिम सेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे ही आयरन मास्टर वहाँ से जा रहे थे वो अपने आप में मुस्कुराए, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और ब्लैक स्मिथ उनका मुस्कुराहट देख के समझ गया कि पक्का ये आखिरी मुलाकात नहीं है उनका, अभी और भी कुछ होने वाला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ अ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज, तो उनके गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि हमें उस कैरेज व्हील्स गाड़ी का आवाज़ आ गया फॉर्ज के बाहर से। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान आया अंदर, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन वो मेहमान आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग डेट सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, तो उसने अपने बेटी को भेज दिया, बड़ी बेटी को, ये सोचकर कि मेरी बेटी के पास ज़्यादा परसुएशन पावर है, किसी को मनाने का पावर ज़्यादा है मेरी बेटी के पास, तो इस उम्मीद में भेजा कि चलो वो जाके उस रैट्रैप सेलर, मतलब जो वो समझे हुए थे उनके मित्र को बुला के लाएंगे। सी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वैलेट, वैलेट मतलब अटेंडेंट, मतलब सर्वेंट बोल सकते हैं, तो वो उनकी बड़ी बेटी आती है अंदर और पीछे पीछे उनका अटेंडेंट आ रहा है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और वो अटेंडेंट जो है वो अपने हाथों में एक कोट लिया हुआ है फर का। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, लेकिन वो देखने में उतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साइड, लेकिन व्यवहार से काफ़ी नम्र थी और काफ़ी शर्मीली भी थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, तो फॉर्ज के अंदर पहले जैसा माहौल था अभी भी वैसा ही है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अभी भी वो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस जो था, हेल्पर जो था, वो भी अभी भी बेंच पे बैठे हुए थे और थोड़े थोड़े देर में उठ उठ के वो जो पी आयरन था उसको चला के आ रहे थे, स्टर करके आ रहे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में अभी भी आयरन और चारकोल सब जले जा रहा है। द स्ट्रेंजर हैड, स्ट्रेंजर आप समझ गए होंगे किसको बोला जा रहा है, रैट्रैप सेलर को बोला जा रहा है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पी आयरन अंडर हिज हेड, तो स्ट्रेंजर अभी भी फ्लोर पे पसर गया, सो गया था, और उसमें सिर के नीचे तकिए के रूप में पी आयरन को रख लिया था। एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपना टोपी जो था वो अपने चेहरे पर कर लिया था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैड, तो जैसे ही उनकी बड़ी बेटी ने, आयरन मास्टर के बड़ी बेटी ने देखा उस आदमी को, वो उसके पास गई और उसके टोपी उठा के देखी चेहरे को। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और वो जो रैट्रैप सेलर था उसको सोने का आदत ऐसा था कि वो जब सोता था तो एक आँख खुला रहता था और एक आँख बंद रहता था। ही जम्पड अप एब्रप्टली, तो वो एक खुले हुए आँखों से उसकी बेटी को देखता है, आयरन मास्टर की बेटी को देखता है और घबरा के उठ जाता है। सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफ़ी डरा हुआ हो जाता है। अब वो बेटी जवाब देती है, माई नेम इज़ एडला विलमैनसन,
बोले कि मेरा नाम एडला विल्बंसन है, तो ये नाम आपको याद रखना है. सेड द यंगर, माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट. वो बोलते कि मेरे पिताजी घर आए और बोले कि आप यहीं पे सोना चाहते हैं फोर्ज में. एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तो इसलिए मैंने उनसे परमिशन लिया और मैं यहाँ पे आई हूँ आपको अपने घर ले जाने के लिए. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. तो वो बोलते हैं कि मुझे काफ़ी खेद है कि आपके साथ इतना बुरा हो रहा है आपकी लाइफ में. सी लुक डैट हिम कंपैशनेटली, तो वो उनको काफ़ी सिंपैथी के साथ देखती है. विथ हर हैवी आइज, और आँखों में काफ़ी गंभीरता है उनका, कि उनका आँखों में, एडला विल्बंसन के आँखों में. एंड देन सी नोटिस डैट द मैन वॉज अफ्रेड, और काफ़ी ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये इंसान तो काफ़ी डरा हुआ है. और वो सोचती है आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल. वो सोचती है कि क्या तो ये इसने कुछ चोरी किया हुआ है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, तभी इसके आँखों में इतना डर है. सी थॉट एंड एडेड क्विकली, वो थोड़ी देर सोची, वो ये सब सोची और तुरंत ही बोली यू मे बी श्योर कैप्टन डैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम. लेकिन कैप्टन आप ये निश्चिंत हो जाइए, आप जितनी आसानी से हमारे पास आ रहे हैं आपको उतना ही फ्रीडम मिलेगा, उतना ही आसानी से आप हमें छोड़ के जा भी सकते हैं. ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप क्रिसमस ईव में हमारे साथ रहिए. और आपको पता है पहले भी स्टोरी में जिक्र हो चुका है कि वो जो प्रेजेंट का जो टाइम है वो क्या है, डे बिफोर क्रिसमस है, मतलब 24 दिसंबर का डे है वो. सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. वो इतने प्यार से बोलती है ये सब बात की रैट्रैप पेडलर मतलब सेलर, वो जो रैट्रैप सेलर था उसको भी चलो अच्छा लगता है कि चलो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हम चल के देखते हैं एक बार, उसको कुछ खतरा नहीं होगा वहाँ पर. और वो जवाब देता है इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी डैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस ही सेड. बोलता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए आप इतना कष्ट उठाएंगी. आई विल कम एट वंस, हम जरूर आएंगे आपके पास आपके घर में. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो जो वैलेट जो था, जो अटेंडेंट जो था, वो फर कोट उसको दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया. विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, और वो वैलेट जो था काफ़ी झुक के रेस्पेक्ट के साथ दिया वो फर कोट. थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने अपने फटे चिटे कपड़े के ऊपर उस कोट को पहन लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस लेडी के पीछे पीछे हो लिया कैरेज की तरफ. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. लेकिन जब वो जा रहा था तो ब्लैक स्मिथ जो था वो काफ़ी चौंक गया था कि अरे इसको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है. तो रैट्रैप सेलर ने ब्लैक स्मिथ की तरफ एक बार देखा तक भी नहीं. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स. लेकिन जब वो कैरेज में बैठ के जब जा रहा था मैनर हाउस मतलब वो आयरन मास्टर का घर को मैनर हाउस बोल रहा है यहाँ पर, तो उसके मन में काफ़ी बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं वो पकड़ा गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आ रहा था. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थॉट. वो सोचा कि मैंने क्यों ये 30 crore पैसा चुराया. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और सोचता है कि अब हम जाल में पड़े हुए हैं और अब यहाँ से कभी नहीं निकलेंगे. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगला ही दिन क्रिसमस था. एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो अगला दिन क्रिसमस आ गया, सुबह का टाइम है वो, और आयरन मास्टर आ गया नाश्ता करने के लिए. और वो सोचा उसके अंदर काफ़ी सेटिस्फेक्शन था कि चलो मैंने अपने पुराने साथी को आज काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लकी हूँ कि मुझे वो अपना दोस्त मिल गया पुराना, और वो काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटल फ्लेश ऑन हिज बोन्स ही सेड टू हिज डॉटर. तो वो अपने बेटी को बोलते हैं, बेटी का नाम क्या है, एडला विल्बंसन. उन बेटी को बोलते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि उनके शरीर पे थोड़ा मांस लाना होगा, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा खाना अच्छे से खिलाना होगा. हु वॉज बिजी एट द टेबल, और उनकी बेटी जो थी वो टेबल में बिजी थी, सब खाना उना देख रही थी सब ठीक ठाक से है कि नहीं. एंड देन वी मस्ट सी डैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. फिर बोले कि और हमें यह भी देखना होगा कि खाना खिलाने के बाद उनको एक अच्छा सा काम दे दिया जाए, उन्हें एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए ताकि उन्हें रैट ट्रैप सेल ना करना पड़े इधर उधर भटक के. इट इज क्वर डैट इज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज डैड सेड द डॉटर. तो डॉटर बोलती है कि ये क्वर मतलब स्ट्रेंज, ये काफ़ी अजीब है कि उनके साथ इतना बुरा हो गया.
Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. वो बोलती है कि पिछली रात को जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे एकदम सा ही नहीं लगा कि ये इंसान कभी पढ़ा लिखा भी था. You must have patience, my little girl, said the father. पिताजी बोलते हैं कि बेटी थोड़ा धैर्य रखो. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. लेकिन जैसे ही वो थोड़ा साफ हो लेंगे और अच्छा कपड़ा पहन लेंगे तब तुम्हें कुछ और ही दिखेगा उनमें. Last night he was naturally embarrassed. पिछली रात को वो शर्माए हुए थे. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. और उनके अंदर जो tramp manners है, मतलब जो behavior उतना अच्छा नहीं था, उसको बोलते tramp manners, वो नहाने के बाद वो चला जाएगा वो सब. अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो वो vagabond जैसा जो behavior था उनका वो सब चला जाएगा. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. इतना बोलते ही वो दरवाज़ा खुला और वो stranger अंदर आया. Yes, now he was truly clean. अब वो पूरा पूरी साफ था and well dressed, अच्छा कपड़ा पहना हुआ था. The valet had bathed him. Valet ने उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से नहा दिया था. Cut his hair, उसके बाल काट दिए थे. Shaved him, उसके दाढ़ी शेविंग कर दी थी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और इसके साथ ही साथ उसे एक अच्छा कपड़ा भी दिया गया, वो कपड़ा जो iron master का था. He wore a white shirt, सफ़ेद शर्ट पहना हुआ था, and a starched collar and whole shoes. और starched collar मतलब ऐसा collar होता है जो काफ़ी crisp होता है और काफ़ी fresh दिखता है, तो वैसा collar वो पहना हुआ था. और whole shoes, काफ़ी अच्छा fitting shoes पहना हुआ था वो. तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. भले ही वो guest जो था, Rattrap seller जो था, वो काफ़ी अच्छे से groom हो गया था, मतलब shaving वूविंग हो गया था. The iron master did not seem pleased. लेकिन iron master उसे देखकर खुश नहीं हुआ. He looked at him with puckered brow. Puckered मतलब wrinkled. उसने उसे काफ़ी गुस्से से देखा. जब brow, eyebrow जब wrinkle हो जाए, मतलब आप काफ़ी गुस्से में है तब. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और वो समझ गया कि उस रात के अंधेरे में उसे एक गलती हो गया है. उस फर्नेस की लाइट में उतना क्लियर उसे कुछ दिखा नहीं और उससे एक गलती हो गया है, मतलब वो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है. बट दैट नाउ वेन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब वो दोपहर की दिन की उजाले में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. ये एक नामुमकिन सा था कि अब उसे फिर से मिस्टेक हो जाए, मतलब वो अब पहचान गया था कि वो उसका परिचित लोग नहीं है. वॉट डज दिस मीन, ही थंडर. वो काफ़ी गरज के बोले कि अरे इसका क्या मतलब है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. और जो स्ट्रेंजर जो था, Rattrap seller जो था, उसने कुछ छिपाने का कोशिश नहीं किया. He saw at once that the splendor had come to an end. उससे समझ में आ गया कि इतना जो उसका आवभगत हो रहा था उसका अब अंत हो चुका है, अब उसे कुछ रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा. It is not my fault, sir, he said. तो Rattrap seller बोलता है कि ये मेरी कोई गलती नहीं है. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने तो कुछ ऐसा आपको नहीं बोला था कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं तो सिर्फ एक पुअर ट्रेडर हूँ, व्यापार Rattrap बेचता हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स. और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था, आपको बोला भी था कि मुझे फोर्स में रहने दीजिए, लेकिन आप ही थे जो मुझे यहाँ पे बुला के ले आए. आपने आपकी बेटी को भेजा मुझे मनाने के लिए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन बोलते हैं कि Rattrap seller बोलता है कि लेकिन चलो कुछ बिगड़ा नहीं है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे. बुरा से बुरा क्या होगा, मैं अपना फिर से वही फटा चिटा कपड़ा पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल. तो आयरन मास्टर थोड़ा हिचकिचा के बोलता है कि ठीक है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. मतलब कि ठीक है, तुमने इतना भी ईमानदारी का काम नहीं किया. यू मस्ट एडमिट डैट. और ये तुम्हें मानना होगा. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. और मुझे एकदम सा भी सरप्राइज नहीं होगा कि शेरिफ आके तुमको कुछ बोले. शेरिफ मतलब यहाँ पे पुलिस मैन को, लॉ ऑफिसर को बोला जा रहा है, मतलब पुलिस आप समझ लीजिए. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. वो जो Rattrap seller था उसी को tramp बोला जा रहा है, मतलब vagabond. Tramp का मीनिंग होता है vagabond. वो कुछ कदम आगे आता है और टेबल पे अपने मुक्का से मारता है और बोलता है, Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. वो बोलता है कि अब मुझे बताने दीजिए कि चीज़ें कैसी है. Mr. Iron Master, this whole world is nothing but a big rat trap. वो बोलते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड और कुछ नहीं, एक बड़े सा Rattrap है, एक पिंजरा है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. यहाँ पे जितने भी अच्छे चीज़ें
वो सब और कुछ नहीं बल्कि एक चीज़ रिंड की तरह है, पनीर का टुकड़ा है या फिर मांस का टुकड़ा है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, ये इस तरीके, ये इसलिए फेंका गया है यहाँ पर, ये अट्रैक्टिंग चीज़ें सब इसलिए फेंका जाता है ताकि कोई भी एक पुअर फेलो, एक बेचारा इंसान मुसीबत में फंस जाए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। और लेटर सेलर बोलता है कि अगर अभी शेरिफ आता है और मुझे लॉकअप में बंद कर देता है तो आप मिस्टर आयरन मास्टर आप ये याद करके रखिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी कुछ आप भी कहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे एक बड़े पीस ऑफ पॉर्क को देखकर और आप भी एक पिंजरे में फंस जाएंगे, आप ये बात को याद रखिएगा। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, इतना बात सुनकर आयरन मास्टर तो काफ़ी हंस पड़ा। अब उसको तो ये सब कुछ पढ़ ले नहीं पड़ा, वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रही है। That was not so badly said, my good fellow. तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुमने इतना भी बुरा कुछ नहीं बोला। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. बोलते हैं कि चलो शेरीफ को क्रिसमस इन्जॉय करने दो, उसको नहीं बुलाते हैं यहाँ पर। But now get out of here as fast as you can. बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें माफ़ करते हैं, तुम अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, जितना जल्दी जाओगे उतना अच्छा होगा। But just as the man was opening the door, लेकिन जैसे ही रैट ट्रैप सेलर दरवाज़ा खोला जाने के लिए, the daughter said, उसकी बेटी बोल बैठी, आयरन मास्टर की बेटी बोल बैठी कि आई थिंक ही आउट टू स्टे विथ अस टूडे, बोलते हैं कि पिताजी मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं इसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विद डैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना बोल के वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, तो पिताजी बोलते हैं कि अरे बेटी क्या कर रही हो तुम। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर, तो बेटी वहाँ पर काफ़ी शरमाई हुई खड़ी हुई थी और पता नहीं था उसे कि क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch, तो उस सुबह वो काफ़ी खुश थी कि चलो एक बेसहारा इंसान को आज उसे खुश करने का मौका मिला है। तो वो सोची कि आज काफ़ी चलो अच्छा मौका है, इस भूखे को खाना खिलाएंगे, थोड़ा खुशी मिलेगा अंदर से। और ऐसा नॉर्मल एक्सपीरियंस भी होता है, आप अगर किसी का हेल्प करें तो आपको अंदर से खुशी आ रहा है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर डॉक्टर के मन में भी था, तो इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी रेड ट्रैप सेलर को। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, उसके मन से ये आइडिया जा नहीं रहा था कि हम किसी गरीब का मदद करेंगे। एंड डैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और यही कारण है कि उसने वो बीच में इंटरसीडेड मतलब इंटरवीन मतलब दखल दिया था, बीच में आई थी वो बोलने के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल, तो बेटी बोलती है कि पिताजी हम इसके बारे में सोच रहे हैं स्ट्रेंजर के बारे में। He walks and walks the whole year long, वो सालों भर चलता रहता है। And there is probably not a single place in the whole country where he is welcome, और पूरे देश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर इसको वेलकम किया जाता हो। And can feel at home, और इसको घर जैसा व्यवहार कहीं नहीं मिलता है। Wherever he turns, he is chased away, जहाँ भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested, हमेशा उसे अरेस्ट होने का खतरा रहता है। And क्रॉस एग्जामिन, उसे कोई पूछताछ ना कर ले, ये चीज़ का डर लगा होता है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here. तो बेटी बोलती है कि मुझे, मेरा मन है कि इसे आप हमारे साथ enjoy करने दो एक दिन। Just one in the whole year, सिर्फ एक ही दिन तो बोल रही हूँ साल के, सिर्फ एक दिन, वो भी क्रिसमस का दिन, इसे enjoy करने दो हमारे साथ। The iron master mumbled something in his beard. तो iron master का बस नहीं चल रहा है, बोलती बंद हो गया है उसका, वो अपने आप कुछ बड़बड़ाता है। He could not bring himself to oppose her. उसके अंदर इतना ताकत नहीं था कि वो अपने बेटी को अपोज कर पाए। It was all a mistake, of course, she continued. तो बेटी बोलते हैं कि हाँ पिताजी गलती तो हो गया है, but anyway, लेकिन कोई बात नहीं। I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. लेकिन पिताजी हमें ये कोई हक नहीं है कि हम ऐसे इंसान को यहाँ से भगाए जिसे हमने खुद यहाँ पे लाया है, और हमने और लाया तो है लाया तो, उसके अलावा हमने उसे प्रॉमिस भी किया है कि हम उसे क्रिसमस में खुश करेंगे, तो उसे यहाँ से भगाना ठीक नहीं होगा। You do preach worse than a parson, said the iron master. Iron master बोलते हैं कि अरे तुम तो parson मतलब चर्च मैन से भी बुरा भाषण देती हो, तुम तो किसी को भी मना लो। I only hope you won't have to regret this. पिताजी बोलते हैं कि हम सिर्फ इतना ही आशा करते हैं कि तुम्हें आगे चल के पसंद ना पड़े अपने डिसीजन पे। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. तो वो लड़की जो है एडला विलमैनसन, वो उस स्ट्रेंजर को अपने हाथों से पकड़ कर लाती है टेबल के पास में और उसको बैठा देती है। Now sit down and eat, she said. और बोलती है कि बैठिए आप और खाइए।
for she could see that her father had given in. और वो देख लेती है पिताजी तो अब चलो मान गए हैं, तो इसको अब बोलती है कि आप खाइए अब. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. तो जो rat trap seller था उसने कुछ नहीं कहा, वो बैठा चुपचाप और खाना खाना शुरू कर दिया. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. वक्त वक्त थोड़े थोड़े देर बाद वो चेहरा उठाता था और देखता था उस लड़की को जिसने उसे वहाँ पर रोका था. Why had she done it? वो सोचता था कि उसने ऐसा क्यों किया. What could the crazy idea be? आखिर कारण क्या है जो उसने उसे वहाँ पर रोक लिया. After that, Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. और इतना खाना खाने का बाद क्रिसमस वैसे ही बीता जैसे हर साल बीतता था रैम्सो में. रैम्सो वहाँ का जगह का नाम है. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. और वो जो स्ट्रेंजर जो था, रैट्रैप सेलर जो था, उसने कोई और दिक्कत नहीं दिया क्योंकि वो खाने के बाद सीधा क्या किया, सो गया. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेस. पूरा फोरनून, फोरनून मतलब टाइम बिटवीन डॉन एंड नून, मतलब दोपहर से सुबह से लेकर दोपहर तक का समय को बोलते हैं फोरनून. पूरा वो समय क्या हुआ, वो सोया रहा गेस्ट रूम में. और एट नून, और दोपहर जब हो गया, दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. फेयर मतलब फूड होता है यहाँ पर. तो दोपहर में उसको जगाया गया कि चलो क्रिसमस का खाना खा लो. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. तो वो उठा खाना खा के फिर सो गया. इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सो. ऐसा लग रहा था कि उसने कई सालों से इतना शांति से कभी नहीं सोया हो जितना कि अभी सो रहा था वो रैम्सो में. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, और शाम को जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, सजाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उसको फिर से जगाया गया कि अरे उठो अब. एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्रॉइंग रूम, और वो थोड़ी देर आके खड़ा रहा वहाँ पर. और ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और जब खड़ा था तो वो अपने आँख ब्लिंक कर रहा था, आँख बंद कर रहा था, खोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कैंडल लाइट उसका आँखों को हर्ट कर रही है, मतलब वो काफ़ी नींद में था. बट आफ्टर डैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उतना थोड़ी देर बाद में फिर वो गायब हो गया, फिर जाके सो गया. टू आवर्स लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, दो घंटे बाद उसको फिर जगाया गया. ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब उसको डाइनिंग रूम में जाना था खाना खाने के लिए. एंड ईट्स द क्रिसमस फिश एंड पॉरीज, मछली और खिचड़ी जो बना था वो उसको खाना था, जाके खा लिया फिर से. एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, खाना खाने के बाद जब सब उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो सबके पास गया, रेड ट्रैप सेलर सबके पास गया. एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सबको थैंक यू बोला, गुड नाइट बोला. बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो थैंक यू गुड नाइट बोलते बोलते यंग गर्ल के पास जब आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट. तो उस लड़की ने उसे समझाया कि वो जो कपड़ा जो वो पहना हुआ है, वो जो सूट जो आयरन मास्टर का था, तो आयरन मास्टर का ये इच्छा है कि आयरन वो सूट वो रैट्रैप सेलर अपने पास रख ले क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में. तो रैट्रैप सेलर को उसका जो सूट था वो उसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में मिला. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको रिटर्न नहीं करना था वो सूट को. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगर उसको अगला क्रिसमस अगर ऐसा ही शांति भरे जगह में उसको बिताना था. एंड बी श्योर डैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, और उसको श्योर होना था कि अगर उसके ऊपर कोई खतरा ना आए, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन. तो वो उसको परमिशन मिला कि वो अगले साल भी अगर चाहे तो यहाँ पर आ सकता है. द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट एंसर एनीथिंग टू दिस, तो वो रेड ट्रैप सेलर जो था वो कुछ भी जवाब नहीं दिया इसका. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो सिर्फ उस लड़की को देखता रह गया काफ़ी आश्चर्यचकित होकर. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. और ये in good season पहले भी आ रखा है, ये fresh तो अभी भी आया. In good season का मतलब होता है early enough. काफ़ी सुबह सुबह उठ गए दोनों, iron master और उनकी बेटी, और दोनों उठ के कहाँ चले गए, Christmas service के लिए चले गए चर्च में. Their guest was still asleep, और उनका जो मेहमान था रैट्रैप सेलर वो अभी भी सोया हुआ था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, और जब 10 बजे सुबह के जब वो लोग चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. तो देखा गया कि वो जो उनकी बड़ी बेटी है वो अपनी सिर झुकाई हुई है काफ़ी सैड होके. At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works
had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि वो इतनी उदास थी क्योंकि चर्च में उसे पता चला कि उनका एक ओल्ड क्रॉफ्टर आयरन वर्क्स का, मतलब आपको याद होगा कि वो जो शुरुआत में एक ओल्ड मैन था, ये उसका घर में गया था सोने के लिए, जिसे 30 क्रोनर चुरा के वो आया था, उसी को बोला गया है कि ओल्ड क्रॉफ्टर। वो ओल्ड क्रॉफ्टर क्या हो गया, रॉब कर लिया, वो लूट लिया गया है एक मैन से, एक मैन के द्वारा। और वो मैन क्या करता था, रैट ट्रैप्स बेचता था। मतलब ये लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने उसी मैन को अपने घर में आश्रय दिया है रहने के लिए। यस डैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड द फादर। तो पिताजी बोलते अपनी बेटी को कि हाँ हाँ बेटी, तुमने तो बहुत अच्छे इंसान को घर में रख लिया। आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबोर्ड बाई दिस टाइम। तो पिताजी बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे कबोर्ड में अब तक, वो तो सब चोरी करके भाग गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। तो वो गाड़ी ठीक से रुका भी नहीं था कि पिताजी आयरन मास्टर क्या किए, गाड़ी से उतरे और वैलेट से पूछे जाके कि वो स्ट्रेंजर अभी भी है कि नहीं घर में। वैलेट का मतलब अटेंडेंट, सर्वेंट। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। उसने वैलेट को बताया कि वो जो इंसान जो है, जो गेस्ट जो है, वो और कोई नहीं एक थीफ है, उसे चर्च में पता चला है। उसने ये सब बात वैलेट को बता दिया आयरन मास्टर ने। द वैलेट आंसर डेट द फेलो हैड गॉन। तो वैलेट ने जवाब दिया कि वो जो इंसान था वो तो चला गया, रैट ट्रैप सेलर चला गया। एंड डैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। और बताया कि उसने अपने साथ कुछ नहीं ले गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटल पैकेज विच मिस विलियमसन विल वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। इसके विपरीत वो क्या किया है, एक पैकेज छोड़ के गया है मिस विलियमसन के लिए और वो उसे एक्सेप्ट करे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज। वो लड़की क्या करती है, पैकेज को खोलती है। विच वॉज सो बैडली डन अप डैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। और वो पैकिंग इतना खराब था कि छूते ही वो खुल गया। सी गेव अ लिटल क्राई ऑफ जॉय। और वो पैकेट देखकर थोड़ा रो पड़ी, वो भावुक हो गए। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप। और वो पैकेट में क्या था, एक रैट ट्रैप था, उसके पास देने के लिए होगा क्या, रैट ट्रैप ही दिया होगा। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स। और रैट ट्रैप के अंदर क्या था, 3 10 क्रोनर नोट्स थे, मतलब जो वो चुराया था वो वापस लौटा दिया है। बट डैट वॉज नॉट ऑल, सिर्फ इतना ही नहीं था। इन द रैट ट्रैप ऑल्सो ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स। और उसमें एक चिट्ठी भी था जो काफ़ी जैक्ड कैरेक्टर्स में लिखा गया था, बैड हैंड राइटिंग में। और चिट्ठी इस तरीके से था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, लेकिन आदरणीय मैम, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन। तो रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि मैम, चूँकि आप पूरे दिन भर मेरे साथ एक ऐसा व्यवहार की जैसे कि हम रियल में कैप्टन हो, आपने मुझे ऐसा व्यवहार किया, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, इसलिए हम भी आपके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं और हम भी ऐसा व्यवहार करेंगे एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि हम असली के कैप्टन हो। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन, बोलते हैं कि बाई अ थीफ। हम बोलते हैं कि हम आपको इस क्रिसमस के सीजन में आपको शर्मिंदा नहीं होने दे सकते एक थीफ के हाथों में। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। आप कीजिएगा क्या, आप इस पैसे को, 30 क्रोनर को, आप उस ओल्ड मैन को लौटा दीजिएगा, मतलब उस क्रॉफ्टर को लौटा दीजिएगा जो रोड के किनारे रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वेंडरर्स। वो इंसान को लौटा दीजिएगा जो अपने खिड़की के किनारे एक लेदर पाउच लटका के रखता है एक बेट के रूप में, एक चारे के रूप में, ताकि लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होकर चले जाए, जैसा कि हम हो गए थे अट्रैक्ट। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट टू रैट हु वुड हैव कॉट हु हैड बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन। लेकिन ये जो रैट ट्रैप है ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से, मतलब वो अपने आप को चूहे बोल रहा है आपके लिए, उस चूहे की तरफ से जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाता अगर उसे कैप्टन न बनाया जाता तो। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। क्योंकि उसे कैप्टन बनाने पर ही उसे ये मौका मिला कि वो अपने आप को क्लियर कर पाए, वो अपने आप को सुधार पाए। तो ये था उसका चिट्ठी का कंटेंट, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्थिल। लेकिन मैंने ये सब काफ़ी रिगार्ड इज्जत के साथ लिखा है और फ्रेंडशिप के भावना से लिखा है और अपना क्या एड्रेस किया, कैप्टन वॉन स्थिल। लेकिन वो क्या रियल में कैप्टन वॉन स्थिल है, नहीं है, मतलब वो रेस्पेक्ट देने के लिए उसने ये नाम यूज़ किया ताकि उसका विश्वास ना टूटे।
तो यही है फिर ये स्टोरी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी बड़ा स्टोरी था। तो आज के लिए फिर इतना ही रोकते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।